वेलकम बैक टू टेक्निकल दोस्त, और मैं हूं आपका दोस्त विनीत कुमार। तो आज के वीडियो में एक और नई अनबॉक्सिंग बिल्कुल अलग तरीके से बहुत ही शानदार चीज़ लेके आया हूं आपके लिए। मैं आज आपके लिए एक लाइट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, ये बॉल लाइट है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने एक आपको हैंगिंग लाइट का अनबॉक्सिंग की थी, रिव्यू दिया था, और यहाँ पर मैं एक बॉल लाइट लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही क्लासिक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं, और बिल्कुल डिटेल में रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूँगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो एंड तक देखिए। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बॉल लाइट है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। तो आप देख सकते हैं देखने में कितनी सुंदर लग रही है, और मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। तो आप जला के देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो मैंने दो लाइट मंगाई है, और इस बाल का जो मेकओवर है वो भी मैंने किया, और उसका वीडियो मेरी वाइफ के चैनल पे आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो अमेजोन से मैंने इसको परचेज़ किया था, तो लाइट का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं इसको। तो चलिए बॉक्स ओपन कर लेते हैं। एक्चुअली जो होम डिकोर लाइट होती है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है आपको ऑनलाइन परचेज करने में, बट मैंने इससे पहले भी एक लाइट परचेज की है, उसकी भी अनबॉक्सिंग मैंने की हुई है चैनल पे, वो भी वीडियो के मैं एंड में आपको दिखाऊंगा वो कौन सी लाइट थी, वो भी आप उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो बॉक्स को मैंने खोल लिया है, तो चलिए मैं आपको लाइट दिखाता हूँ। तो इस तरीके की पैकिंग में ये मिली है मुझे, और जो अंदर की पैकिंग है वो पॉलीथीन है, और कुछ पेपर भी लगे हुए हैं इसमें। तो मैं पॉलीथीन को निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके की मिलेगी लाइट आपको। तो इसको हैंग करना बहुत ही आसान है, नॉर्मल आपका होल्डर लगा हुआ है, आप होल्डर को निकाल के इसके स्क्रू इस तरीके से दो स्क्रू टाइट कर सकते हैं होल्डर की जगह, नहीं तो आप ड्रिल से होल मार के भी इसको टाइट कर सकते हैं। दो ही तार कनेक्ट करने हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और ये जो बना हुआ है ये वायर का बना हुआ है, तो एक्चुअली MS के वायर का है, तो काफ़ी मजबूत है ये, तो इसको टूटने का भी कोई डर नहीं है। अगर ये गिर भी जाता है तो इसको टूटने का भी कोई डर नहीं है। मैं दोनों पीस आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने दोनों पीस जो परचेज किए हैं, तो इसका लिंक मैं दे दूँगा। इसमें बल्ब इंक्लूड नहीं है, बल्ब मैंने अलग से लिए हैं, तो मैं बल्ब भी आपको दिखा दूंगा। तो इसकी जो कॉस्ट है, तो 800 के लगभग मैंने इसको परचेज किया है, तो 800 में ये लाइट बेस्ट है मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छी लाइट है ये, और लुक वाइज काफ़ी अच्छी लग रही है। मैंने हैंगिंग लाइट भी इसी स्टाइल में ली है, तो मेरा जो लिविंग रूम है उसमें बिल्कुल मैच करती है। उसका मैंने अभी मेकओवर किया था, तो मेरी वाइफ ने उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं मैंने जो वॉल बनाई थी ना पीछे, बहुत ही शानदार जो वॉल दिख रही है आपको, वो हमने खुद रेडी की है, और मात्र 1000 रुपये में उस वॉल का मेकओवर किया। तो लाइट आप देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है, और इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। हैंगिंग अरेंजमेंट बिल्कुल आसान है इसका, दो तार ही कनेक्ट करने हैं आपको, दीवार में दो होल या एक होल पर भी इसको टाइट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो वेट है बहुत ही लाइट वेट है और स्टाइलिश है। आप देख सकते हैं डिज़ाइन दे सकते हैं, और जो वायर है वो भी काफ़ी मजबूत है, होल्डर देख सकते हैं। तो होल्डर जो है यहाँ पर E27 टाइप का है, जो चूड़ी टाइप का होल्डर होता है, तो इसका जो होल्डर है वो चूड़ी टाइप का है, तो इसमें जो बल्ब लगेगा वो चूड़ी वाला लगेगा, तो उसको E27 कहते हैं होल्डर को। तो ये दो बल्ब मैंने ऑर्डर किए थे अमेजोन से। इसका वीडियो भी बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा, इसमें इसका प्राइस सब कुछ डिटेल में आपको बताऊँगा। तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, तो उसका मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो लाइट प्लस बल्ब, तो चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये मैंने खुद इंस्टॉल किया है, और मैंने जो मेरा होल्डर लगा हुआ था होल्डर की जगह इसको मैंने टाइट कर लिया, तो बहुत ही आसानी से हो जाता है, आप भी टाइट कर सकते हैं इसको, बल्ब भी इसको घुमा के टाइट कर सकते हैं बल्ब को। और बल्ब की जो कॉस्ट है वो 300 है, तो ये टोटल जो लाइट मुझे पड़ी है वो 1100 रुपये में, बल्ब प्लस लाइट दोनों, मतलब दो लाइट का सेट 1100 रुपये में आ गया। और इसको हम सीधा कर देंगे, और अब मैं इसको आपको जला के दिखाता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और ये वॉल जो आपको दिख रही है 3D वॉल, तो इसका वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। ये हमने खुद क्रिएट की थी 1000 रुपये में। आप सोच सकते हैं कि 1000 रुपये में हमने ये डिज़ाइन भी बनाया है और पेंट भी किया है, और ये प्लास्टिक पेंट है। और आप लाइट को मैं आपको पास से दिखाता हूँ, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। मैं दूसरी लाइट दिखाता हूँ आपको, जो मैंने इसका वीडियो अपलोड किया हुआ, ये हैंगिंग लाइट है। तो सेम डिज़ाइन में मैंने 2 लाइट ली थी, इसकी जो कॉस्ट थी वो 1000 थी। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आप मेरे वीडियोज में चेक कर सकते हैं, मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है। और देखने में कितनी सुंदर लग रही है जलते हुए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरा ये अनबॉक्सिंग का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू।